आओ सोए गाइस। आ मेरे हाथ में दर्द हो गया, मैं ना हाथ भी पड़ा हुआ था बहुत देर से। ओके सोए गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। एंड या आज भी बारिश हो रही है। एंड हाँ, आज भी मैं कोचिंग नहीं गया जस्ट बिकॉज ऑफ बारिश। या दैट्स राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ बारिश। बिजली का बिल मेरा बाप देगा, तो दैट्स व्हाई आई टर्न ऑफ द फैन। चलो यार नीचे चलते हैं, कुछ खाते हैं समथिंग। हाँ वो हम मेरी ठीक है। टर्निंग हटाने के लिए क्लींजिंग तो होगा, देखते रहो फेस अच्छा सा लग रहा होगा तुझे काफी। मुंह धो लूंगा मैं इस बार, ठीक। पहले से ज्यादा सा चमक रहा थोड़ा सा फेस में। इसको तो धाड़ी है, धाड़ी में कैसे कर पाऊंगा? वो यहाँ यहाँ करता होगा, कम लगती होगी। जिस दिन उन्होंने धाड़ी हटा ली उस दिन तो काला हो जाएगा, वो काला काला दिखेगा। नहीं धाड़ी में है ना हमारी स्किन में तो कुछ। और यहाँ पे भी सबसे ज्यादा देते रही टर्निंग। हाँ खुद देख ले रिजल्ट है ना, यहाँ ज्यादा देते रहे टर्निंग, सबसे ज्यादा टर्निंग है देते रहे माथे का तो टर्निंग इज रिमूव। अब चलो हम फेस पैक लगाते हैं, इसे भी तो निकलने का भी हो जाता है। सब कुछ करने के बाद मेरे फेस पे एक ग्लो है, मुझे लगता है मुझे रेमेडी शूट नहीं करती यार। एज यूजुअली लाइक चली गई यार, बिस्कुटों में मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है। देखिए सड़ रहे क्या, देखिए तो दूसरे वाले लेकर आया, हम अलमारी में दूसरे रखे थे। तो अभी मैं ना अपने कोचिंग आया था। एंड हाँ मैं जो कुछ कर रहा हूँ।
हाँ सो गाइस, मैं घर पे आ गया हूँ एंड मैं नहा भी लिया हूँ। अब वक्त है खाने का, और खाने में आज हमारे पास है ये कढ़ी चावल, या कढ़ी चावल। और खाते खाते हम देखेंगे थोड़ा सा टीवी भी, बिकॉज यू नो काम करता हूँ कुर्सी और स्टूल पर बैठ के खाता हूँ। देखो गाइस, कल पता नहीं, कल मतलब मैंने ना वो कर रहा था तो उससे ना मेरे और दाने से हो गए, बट ये है कि थोड़ी बहुत ही टैनिंग कम हुई है। आई डोंट नो, मुझे तो लगता नहीं है कि टैनिंग कम हुई है, बट जो भी है व्हाटएवर। चलो मैं खाना खा लेता हूँ एंड देन फिर मिलता हूँ आपसे। ओके सो ये वो कमरा है जिसमें मैं अपनी वीडियोस बनाता था, मतलब बनाता हूँ, अभी भी बनाता हूँ, ऐसा नहीं। एंड हाँ सो गाइस, मेरा ना पिंपल हुआ था, ये देखो, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ना मैंने इसको ना भीज दिया, इसमें तो सफ़ेद कलर की कील सी निकली, फिर उसके बाद पानी सा निकला, देन मैंने ना इसको भीज भीज के ऐसा कर दिया। सो I have lots of things to do, but right now I have nothing to do. So guys, रात के जो है ना इतने बज रहे हैं, 8:40 हो गए। सो अभी 8:40 हो गए एंड अब है खाना खाने के वक्त। तो यार मैंने ना दिन में कढ़ी खाई थी, कढ़ी चावल, तो मेरे मतलब मेरे ना पेट में, मतलब मेरा अभी मन नहीं कर रहा कुछ हैवी खाने का, कि एडजस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले ना चावल खाए थे, तो अभी जो मैं खाऊंगा वो है ये दूध और ये पराठे नमक डाल के। आई मीन दिस इज नॉर्मल खाना, मतलब नॉर्मल तो नहीं है बट ये है कि हाँ ये ठीक है। तो बस मैं यही खाऊंगा एंड इसको खा के सो जाऊंगा। तो गाइज, आज के व्लॉग में सिर्फ इतने, आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया हो। सो दैट इट इज फॉर टुडेज व्लॉग, आई एम गोना एंड दिस व्लॉग एंड मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ या वीडियोस में मिलता हूँ, व्हाटएवर। सो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग। ओके बाय, एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ओके बाय। सो गाइज, मेरे पास ना एक चीज़ और करेंगे अभी ना, कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे। मेरे पास एक किसान जो तो आप लोग समझ गए,
एक्चुअली ना मैंने इस पर नमक भी डाल रखा है, तो क्या पानी से निकल रहा है ये पानी? पानी, आई एम जस्ट जॉकिंग, सो लेट मी ईट इट, मी ईट इट। Oh my God! इतना कुछ सही नहीं है, ठीक है, मैं प्रूव्ड देता हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। सबने खाया ही होगा किसान जैमैन पराठा, इट्स टेस्ट लाइक दैट, बट इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल गया तो थोड़ा खारा भी लग रहा है, अदरवाइज ऑसम।